गाड़ी वापस कर दूंगा। चल चाबी दे दे। ए, समझ में नहीं आया, ये हमको गाड़ी नहीं देने वाला। ए साइको, मुझे ये गाड़ी चाहिए। सॉरी। पैट्रिसाइड, गिव मी द की। वापस मुझे वही बोला तो तेरे टांगे तोड़ दूंगा। जिसने अपने पिता की हत्या की हो उसे पैट्रिसाइड, नहीं तो क्या एंजल बुलाओ। पैट्रिसाइड। गाड़ी मांगने पर हमारी टांगे तोड़ दोगे? चलो इसे। जलाओ इसे। अरे जलाओ ना यार। करोगे तो केस बनेगा और वो केस हम पक्का हार जाएंगे। पुलिस का कैंपस में प्रवेश करना प्रतिबंधित है। उनसे वापस मार खा सकते हो। बाजार और कैंपस का एक नियम है, जो भी लड़ाई में जीतता है वो हीरो बन जाता है और हर जगह राज करता है। तो तुमको उन्हें कैंपस के अंदर मारना चाहिए और उसके लिए तुम्हें जो भी मदद चाहिए वो मैं करूंगा। इसके लिए जो जरूरी है मेरे पापा ने मुझे सब सिखाया है। जहां डर खत्म होता है ना वहीं से जिंदगी शुरू होती है। Oh!
देता हूं तो वापस नहीं लेता हूं। सर आ गए क्या? सर तो सुबह ही आ गए। कोई परेशानी है? बहुत टेंशन में लग रहे हैं सर। सर जिसकी मौत हुई है वो इरिंजाल कुड़ा का जॉनी है, एक साधारण व्यापारी है जो अक्सर दुबई आता जाता रहता है बिजनेस के सिलसिले में। इस बार वो एयरपोर्ट से घर की तरफ जा रहा था। तुम्हें क्या लगता है? ही से कैरियर? घटना के दौरान जो गाड़ी वहां खड़ी थी उसे वहां से ले जाया गया था। मुझे ज्यादा याद नहीं है। तुम्हें याद नहीं है? तुम किसी को भी कार दे देते हो। ज्यादा सौदेबाजी नहीं हुई थी, वो उसे टेस्ट ड्राइव के लिए ले गया था और वापस आया ही नहीं। मैंने पुलिस में कंप्लेन दर्ज की थी। और सर मुझे धमकाने की कोशिश मत कीजिए, मैं एक बहुत लंबे समय से यहाँ पर काम कर रहा हूँ। काम शुरू करके मेरे को ज्यादा समय नहीं हुआ, इसको गाड़ी में डालो। सर नहीं सर, पैट्रिक यहाँ आया था जो हमेशा जॉर्ज के साथ रहता है। सर आप उसे जानते हैं ना सर? पिछले एक महीने में लगभग 30 केस पकड़े गए। हर दिन लगभग 100 किलो गोल्ड कानूनी रूप से यहाँ से जाता है और इसे कहीं ज्यादा गैर कानूनी रूप से। इस गोल्ड के बिजनेस में फायदा काफी कम है क्योंकि ये कम फायदे वाला बिजनेस है। तो हम क्या करें? हम फायदा बढ़ाने की सोचेंगे। यस, देखो इंडिया के सबसे बड़े जो सोने के व्यापारी हैं वो केरला में है। सिर्फ त्रिचूर और एर्नाकुलम के शॉप में लगभग 150 से 200 किलो गोल्ड आने वाले हर दिन में बेचा जाता है। अब इतना सारा गोल्ड आता कहाँ से? तो यहाँ पर जॉनी जैसे लोगों का रोल सामने आता है। जॉनी जो जॉर्ज के लिए एक कैरियर था, उसने किसी और के लिए काम किया था, उन्होंने उसको मार डाला और सोना ले लिया। साथ ही कई लोगों के लिए ये एक चेतावनी है।
सर हम जॉर्ज के खिलाफ ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे सर। कोशिश करके देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। पता नहीं गाड़ी की कीमत बर्बाद कर देंगे। हाँ सही कह रहे हो। चलो उन्हें मेरी हैसियत का अंदाजा तो होगा। मैं देखना चाहता हूँ कि किसमें इतना दम है जो मेरी गाड़ी पर बॉल मारे। सुनो गाड़ी हटा लो, लड़के शरारती होते हैं, कुछ हो गया तो नुकसान अपना ही होगा। उसे फाउल कहने के लिए कहो। देखो ये गोल होगा। तुमको लगता नहीं कि सावधानी से खेलना चाहिए? नहीं तो पेनल्टी वसूलने के लिए हमको आना पड़ेगा। लगता है तुम नए हो, मेरे ऑफिस में आ जाओ। तुम्हारे ऑफिस में जो लोग दावत का मजा लेने आते हैं उनमें मेरी गिनती मत करो। बैठ जाओ गाड़ी में। अपनी गाड़ी हटा लो, मुझे खेलने दो। तुम्हें जो भी बात करना है बाद में करना, अभी तो मैं सर कह रहा हूँ। अगर ज्यादा हेकड़ी दिखाई ना तो मुंह पर थूक कर कहूंगा कि दफा हो जाओ। इतना घमंड क्यों है तुम में? एक तो गैर कानूनी काम करते हो और ऊपर से घमंड दिखाते हो। बैठ जाओ गाड़ी में, चलते बनो यहां से, चले जाओ। श्रीनिवासन, तुम यहाँ भी एनकाउंटर का खेल खेलो ये मुमकिन नहीं है। जॉर्ज का जवाबी हमला तुम सह नहीं पाओगे। सर प्रूफ है मेरे पास और मैं उसे मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करूंगा। श्रीनिवासन तमिलनाडु से है, उसे यहाँ के तौर तरीके नहीं मालूम। तमीज से पेश आना चाहिए था, अब तो तुझे सजा भुगतनी ही पड़ेगी। इससे गलती तो हो गई है पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इसे माफ कर दें। तूने जो कुछ भी किया है उसे मैं सूद समेत लौटाऊंगा। आ जाओ। हाँ आओ बैठो। तू क्यों ऐसे चुपचाप बैठा है? खाना तो ठीक से खा। बेटा अगर तुम ठीक से खाना नहीं खाओगे तो अपने पापा का बिजनेस कैसे संभालोगे बोलो? मैं बिजनेसमैन नहीं बनूंगा। फिर क्या? मुझे तो पुलिस बनना है। Thank you.
याद रखे इंसान इस जीवन काल के तेरे काम हाँ अच्छे कर्म कर आलस किए बिना याद रखे इंसान इस जीवन काल के तेरे काम होंगे महान अच्छे सर उस दिन जॉर्ज पीटर को गिरफ्तार करने गए चार पुलिस वालों में से तीन मारे जा चुके हैं श्रीनिवासन सर समेत वो पहले रिश्वत देकर काम करवाते थे लेकिन अब वो अपनी ताकत से पूरा कर लेते हैं जो सब कुछ कंट्रोल करता है वो जॉर्ज पीटर है मुझे पता है अब वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे हम उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते सर अपने हिसाब से मैं कुछ करता हूं यही बात श्रीनिवासन सर ने भी कही थी अच्छी क्वालिटी वाली चीजें आजकल मिलती कहां है हमें धनिया और मिर्च खरीदनी पड़ती है और उसे पीसना पड़ता है माँ इस बारे में बहुत खास ख्याल रखती है और कहती है कि मैं जो भी पकवान बनाती हूं उसमें वो गुण होता ही है हाँ मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ खाना अगर अच्छा है तो यहाँ भेज देना ए, हम तुम्हें क्या खिलाते हैं सर अरे मैंने तुम्हें सर कहने से मना किया है ना जॉर्ज भाई आ गए लाइन पे हाँ आप बताओ हम तुम्हें क्या खिलाते हैं जॉर्ज भाई मुझे माफ कर दो तुझे तो पता है कि मेरे बिजनेस की दुनिया में गलती की माफी नहीं सीधे सजाए मौत है जॉर्ज भाई मेरी बहन की शादी के लिए और कोई रास्ता नहीं था इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके जेब में भर के यहाँ से सोना ले जाता था और तेरी बहन की शादी हुई हाँ हो गई हाँ हो गई और तूने मुझे बुलाया भी नहीं भाई 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 नहीं भाई भाई प्रार्थना से हर पाप से मुक्ति मिल जाती है आज शाम को मैं उपवास रखूंगा एक दिन मौत आएगी याद रखे इंसान इस जीवन काल के तेरे काम होंगे महान अच्छे कर्म कर आलस किए बिना एक दिन मौत आएगी याद रखे इंसान
तक एक साथ हत्या और चोरी किया करते थे, अब उन्हें एक साथ दफनाया भी जा सकता है। लोग इस पर सवाल उठाएंगे, है ना? डेफिनेटली, ये सिर्फ एक हवा का झोंका है, अभी तूफान आना बाकी है। लेट्स सी। इस बैच से ब्लेड तुमने किसको दिया था? मैंने इस बैच को पहले कभी नहीं देखा। मैं जानना चाहता हूँ कि इसे किसने खरीदा। वो हॉस्पिटल के अलावा कुछ नर्सिंग होम और कुछ प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर्स भी इसे खरीदते हैं। मुझे उन सभी डॉक्टर्स की लिस्ट चाहिए। सर, ये काफी मुश्किल होगा। मुश्किलों के लिए मैं तैयार हूँ। नुकसान सिर्फ तुम्हारा नहीं है। अगर तुम इसके लिए एक दूसरे को मारने का इरादा रखते हो तो फिर कुछ नहीं बचेगा। मुझे भरोसा नहीं है तुम पे। ए मार्को, अगर मैंने ये किया ना तो मैं कबूल करने में गर्व महसूस करूंगा। मुझ में इतना दम है। अब्राहम, बस देखो, अगर मार्को यहाँ आया है तो मेरी रिक्वेस्ट पर। इसके दिल में मेरे लिए इज्जत है, इसलिए। बिजनेस को बढ़ाने के लिए इस डेविड को जॉर्ज को मारने की कोई जरूरत नहीं थी। जिस मंगलोरियन ने तुम्हारे पापा को मारा था मार्को सर, उसके सीने पर गोली मारने के लिए जॉर्ज मुझसे मदद मांगने के लिए आया था। युद्ध शुरू होते ही जॉर्ज उसके हाथ पकड़ लेता था और दिखाता कि वो शुरू होने वाला है। जब वो खत्म हो जाता तो अपने हाथ ऊपर उठाकर हंसता। किसने मारा और किस लिए? यही पता लगाने की जरूरत है। हम सभी को जानना है कि जॉर्ज की हत्या किसने की। जो भी है वो हमसे ज्यादा खतरनाक है। क्या मैं जाऊं सर? ठीक है। मारने से कुछ भी खत्म नहीं होगा। तुम्हें कितने पैसे मिल रहे हैं? ये समय मुझ पर शक करने का नहीं है। मैंने जो कहा है उससे ध्यान से सोचो। मुझे दोनों की जरूरत है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे बेटे के कातिल को छोड़ दें। ये सिचुएशन क्रिएट किसने की? कौन है इसके पीछे? देवी ने सड़क के बीचों बीच तीन लोगों को मार डाला। उसने सोचा कि कोई गवाही नहीं देगा, लेकिन वो गलत था। पाला से किसी जॉनी ने कॉल किया और गवाही दी, उसने उसे टक्कर मार दी। भले ही वो सुप्रीम कोर्ट तक ले गया हो, लेकिन वो फंस तो गया। आज वो जेल की सजा काट रहा है। वो इस वक्त अस्पताल में ये दावा करते हुए उसके मानसिक रोग का इलाज चल रहा है। वो वहीं से अपना काम करवाता है। अब्राहम जो अभी अभी मरा है उसका सबसे बड़ा बेटा है। कहा जाता है कि भगवान अच्छे लोगों को जल्दी अपने पास बुलाता है। उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। तो जिसे इस धरती को बहुत बाद में छोड़ना था वो अब मर चुका है। विलियम, माय हार्टफेल्ट कंडोलेंसेस टू यू। क्या ये मार्को ने किया? नहीं, ईसा ने। ईगल ईसा।
मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। अगर खेल दिलचस्प है तो बिना पक्ष लिए खिलाड़ियों की वाहवाही करनी चाहिए। अगर आप अपना कानून लागू करने की सोच रहे हैं तो हम पुराने पुलिस ऑफिसर्स की तरह दूर से नहीं देखेंगे आपको। हमें यहाँ रेफरी की जरूरत नहीं है। चलो वो बारिश के दौरान आया था। उसकी गर्दन पर एक चेन थी सेंट मिखाइल लॉकेट के साथ। और मैं कुछ नहीं जानता हूँ सर। आई नीड अ लिस्ट ऑफ डॉक्टर्स फ्रॉम ऑल द हॉस्पिटल्स इन द सिटी, एस्पेशली अ पर्सन हु वाजंट ऑन ड्यूटी ऑन लास्ट मंडे आफ्टरनून। ए मैन हु प्रीडोमिनेंटली यूजेस हिज लेफ्ट हैंड देन हिज राइट, अ बॉर्न लेफ्ट हैंड, अ लेफ्टी। नारद और शकुनी दोनों का एक प्लान है ये पैट्रिक। उसने किसी ऑपरेशन का प्लान बनाया है। अपनी गन लाए हो तुम? सर सबसे मुश्किल काम होता है किसी का पीछा करना। उसका सबसे कीमती सर मेरे आगे फ्रेंसी। ए, मेरा हिसाब गलत नहीं हुआ। हमारे आदमी चारों तरफ हैं। वो जो भी है वो उसकी तलाश में आएगा। कब और कैसे ये हम नहीं जानते। बाद में करता हूं। कम ऑन मैन, आई एम वेटिंग। ये सामने कारें देख रहे हो तुम? ये सभी उसके ही आदमी हैं। लेकिन इनके बीच में एक मुखबिर है। शिट, लग ही रहा था मुझे। पैट्रिक, हु वाज दैट? डिड यू सी हिम? क्या तुम्हें मेरी मौत के समय जवाब चाहिए? यस I know do. मैंने उसे बहुत करीब से देखा है। Tell me. पहले तुम मेरी जान बचाओ, नहीं तो मुझे पता है तुम खुद ही मुझे मार डालोगे। पैट्रिक, कौन था वो? बता ना यार। मैं जैसा कह रहा हूँ करो। हाँ हेलो। स्केच आर्टिस्ट और मजिस्ट्रेट के बयान दर्ज करने के लिए उन सबको फॉरन मेडिकल कॉलेज लेकर आओ। ए, मेडिकल कॉलेज में नहीं सर, इस सिटी में कई अच्छे हॉस्पिटल हैं। ठीक है सर। सुनो, अब इन सबको भेजो। ओके सर। ईच एंड एवरी कॉर्नर शुड बी अंडर अवर कंट्रोल। ओके सर। किसी को भी अंदर मत आने देना उनकी जांच किए बिना। खास तौर से गाड़ियों की जांच करो जो गेट के अंदर आती है। पैट्रिक, 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 who has done this to you? पैट्रिक, I'm asking you who has done this to you? Come on, ready, help, Patrick, बताओ किसने किया ये? सर। पैट्रिक सर प्लीज आप बाहर जाइए प्लीज। अब ये पूरी जगह हमारे कंट्रोल में है सर। हम अपने आसपास की परछाई पर भी भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि उजाला होते ही वो गायब हो जाती है।
लड़की वाकई स्ट्रॉन्ग है। अगर तुम नहीं कर सकती हो तो बताओ मुझे। ए, तुम शांत रहो। हमेशा जीतने वाले की तारीफ होती है, गिरने वाला उठता है तो विजेता होता है। You can do it, Jenny. Come on, Jenny. Right side attacking. She is a left hander. उसकी right side weak है. उसका फायदा उठाओ. Mike, please. थी तुम बच गई। जानती हो जब मैं छोटा था मैंने कितने सारे कॉम्पिटिशन जीते हैं। माई तुम कितने बेरहम हो। तुम साथ में थे शायद इसलिए मैंने अपना कॉन्फिडेंस खो दिया। मैंने तो ऐसा कहा था कि तुम घायल ना हो जाओ क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ ना। तुम जिसके काबिल हो ऐसा कुछ करो। मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे सोने दो। ध्यान से गाड़ी चलाना। ओ, मुझे मत सिखाओ गाड़ी कैसे चलानी है। तुम जैसे कोई बूढ़ी दादी हो, इसी वजह से तुम्हारी पिटाई हुई। ए कैसे चला रहा है? अबे कहाँ देख के गाड़ी चला रहे हो? मेरे सीने पे चला दो। तुम्हारे बाप का राज है इस रोड पे। दो दो आंखें दिए ना भगवान ने, गाड़ी देख के क्यों नहीं चलाते हो तुम लोग बेवकूफ कहीं के। मिस्टेक उसकी थी है ना माइक। थैंक्स मुझे जिंदा लाने के लिए। मेरी बच्ची। हाँ कांग्रेस। थैंक यू। तुम अंदर नहीं आ रहे? नहीं। ये सब तो कब से चल रहा है? यहाँ तुम्हारे लिए कौन पर आया है? आखिर तुम ये क्यों कर रहे हो? माँ मैं तुम्हारी जिंदगी में दखल नहीं दे रहा, मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, इसलिए मुझे ऐसा ही रहने दो। जेनी के लिए एंथनी उसके पिता की तरह है। लेकिन वो हमारे सगे पिता नहीं है ना। साले साहब। ए तुम डॉक्टर हो? अरे भैया क्या कर रहे हो, जब से देख रहा हो तुम लिखे ही जा रहे हो। अरे जांच काहे नहीं करते हो? तुम कौन हो? जांच करोगे तब पता चलेगा ना कि हम कौन हैं। इसे अंदर आने किसने दिया? अंदर बाहर के छोड़ो और इनकी जांच करो, सांस लेने में तकलीफ है। अरे आपको दिखाई नहीं देता, हम इसे ऑक्सीजन दे रहे हैं, आप जाइए बाहर जाइए। अरे बहन जी यहाँ कोई दूसरा काबिल डॉक्टर नहीं है क्या? हमको लगता है ये इनकी मौत का कारण बनेगा। ए तुम बाहर जाओ। मैं यहाँ का डॉक्टर हूँ। तो फिर तुम बाहर जाओ। जाता हूँ भाई। मेरी दूसरी बीवी का एक ही भाई है जो यहाँ लेटा है और लेटे लेटे मौत का इंतजार कर रहा है। साले साहब ऐसे घुरो मत। साले साहब। अरे डॉक्टर भैया कम से कम एक एक्सरे तो ले लो। साले साहब बुला रहे हैं। क्या हुआ साले साहब? हमारी जिंदगी चाहते हो तो चुपचाप चले जाओ बेवकूफ कहीं के। पहले ये बताओ तुम्हें बीमारी क्या है? मुझे खांसी है। ए, ऐसा मत करो, क्लिनिक है, सरकारी अस्पताल नहीं है। हा? कब से शुरू हुआ ये? एक महीना हो गया।
अरे तो तुम्हें इतनी खतरनाक खांसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए था ना। बोलो और क्या तकलीफ है? चलता हूँ तो मेरे पैर में दर्द होता है। एमआरआई करवाना पड़ेगा। इसके लिए एमआरआई ठीक रहेगा। माइकल मेरे साथ आओ। तुम में रिस्पॉन्सिबिलिटी की कमी है। जब कोई कैजुअलिटी में आता है तो मैंने तुम्हें जरूरी टेस्ट और स्कैन लेने के लिए नहीं कहा था? हाँ लेकिन अगर ये जरूरी है तो ना। सुनो माइकल, अगर तुम टेस्ट लिख सकते हो तो लिखो। कैजुअलिटी विभाग के पास एक टारगेट होता है। अगर दूसरे डॉक्टर ऐसा कर सकते हैं तो तुम भी कर सकते हो, नहीं तो जेम्स को तुम्हारे मामले में बोलना पड़ेगा। ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। बाकी सबको बुरा ठहरा कर खुद को अच्छा बनाने की कोशिश मत करो, समझे? तैयार। वन टू थ्री। एक कराटे सीखने वाला एक कलाकार भी होता है। वो न सिर्फ किसी के शरीर से जीत सकता है बल्कि उसका दिमाग भी। क्या आपने सुना है? जैकी चैन, ब्रूस ली, जेट ली, टोनी जा है? विश्राम, आप लोग बहुत भाग्यशाली हो जो आपको कोच के रूप में मेरे जैसा कोई मिला है। एक खिलाड़ी के रूप में आप पैसे, शोहरत और सम्मान सब कुछ हासिल कर सकते हो। आपको काफी अवार्ड भी मिलेगा, और उसे कैसे हासिल करना है ये तरीका सिर्फ मैं ही जानता हूँ, और यही बात मुझे दूसरे कोच लोगों से अलग बनाती है। तो आपको आज तक ट्रॉफी क्यों नहीं मिली भाई? क्या भाई? तैयार। वन टू। सर मुझे आपसे एक बात पूछनी है। मेरे बेटे का हाथ टूट गया, कौन जिम्मेदार है इसका बताइए? वो तो प्रैक्टिस के बीच हुआ। सच में ये पहली बार हुआ है? नहीं, वो जेराड है। जेराड ने ऐसा जानबूझकर किया, वो हमेशा ऐसा ही करता है। जेराड है कौन? जेराड पीटर। तुम और तुम्हारा बेवकूफों जैसा हेयर कट। कई बार चेतावनी दी है मैंने तुम्हें, प्रैक्टिस के दौरान पर्सनल झगड़ों से तुम दूर रहो। मुझे नहीं पता था कि एक ही झटके में हाथ टूट जाएगा। दिल तो करता है दो हाथ लगाऊं। पक्का तुमने जानबूझकर नहीं किया? नहीं किया। मास्टर, जेराड गर्ल्स के साथ गलत व्यवहार करता है। लगता है कि वो गर्ल से लड़ना चाहता है। वो मारिया और रिया से बहुत बुरी तरीके से बात करता है। आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ। बेटी तुम वापस कब तक आओगी? रात ज्यादा देर तक मत घूमना। माइकल को पता नहीं अपनी देखभाल कैसे करनी है। तुम्हारा मोबाइल है ना तुम्हारे पास? पापा माइक उतना भी बुरा नहीं है। मेरे पास मेरा फोन है। बाय बाय। एक राजनेता को एक्सीडेंट के बाद यहाँ लाया गया था। मैंने उसे बस एक इंजेक्शन दिया और वो मर गया। इंजेक्शन? अरे ये इंजेक्शन की गलती नहीं है, कैजुअलिटी में ऐसा होता ही रहता है। कुछ लोग राहत महसूस करते हैं सिर्फ अगर वो डॉक्टर को मारेंगे तो। हालांकि ये उनकी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। मतलब डॉक्टर का काम काफी रिस्क भरा है, लेकिन तुम भी तो उसे मार सकते थे ना? हम ईसाइयों ने बाइबल से नहीं सिखाया कि दूसरा गाल दिखाना जब हमें एक गाल पर थप्पड़ मिलता है। बाइबल हमें सिखाता है आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। यहाँ तक कि जीसस ने भी एक छड़ी उठाई थी। आहा, तो मुझे भड़का रही हो? लगता है फिर से मार खिलवाओगी। लेकिन थप्पड़ खाने के बाद छुपना बहुत बुरी बात है। वो लोग चले गए। अच्छी बात है। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तुम यहाँ पर नहीं हो, डॉक्टर लोग है ना, जल्दी सीख जाओगी। तुम औरत हो इसलिए तुम्हें छूते नहीं है, वरना थप्पड़ तो मार ही देते हैं। अगर वो मुझे छुएंगे तो मैं कंप्लेन कर दूंगी। वैसे हम उन्हें जितना ठीक करते हैं भगवान उससे 10% लोगों को वापस ले लेता है, और जो 3% रिश्तेदार हैं वो डॉक्टर को मारने के बाद हॉस्पिटल छोड़ते हैं।
माइकल, और वो बात जो मैंने तुम्हें कौन सी बात? चुप रहो डॉक्टर, क्या जी? वो तुमसे क्या पूछ रही थी? वो डॉक्टर मुझे पसंद करती है, मैं स्मार्ट हूँ, आई लव यू वगैरह ऐसा रोज कहती रहती है। ओह गॉड, क्या उसने प्रपोज किया? वेल, प्रपोज मुझे इस हॉस्पिटल में रोजाना 3 से 4 मिलते हैं। सपने में हो सकता है, वैसे मुझे वो पसंद आई। तुम सच में उसे पसंद करती है? फिर तुम उससे शादी कर लो, समझ गई? बढ़िया ही पसंद आ गई बोलने वाली। हाँ, बहुत ही एक्साइटेड थी मैं, मैंने खुद देखा था। ओह हाय, हाय, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? वो है एना, मेरा सपना, मेरी आशा और मेरी लाइफ। पिछले 3 सालों से हमें एक दूसरे से प्यार है। माइक तुम्हारी गर्लफ्रेंड है और तुमने मुझे बताया नहीं। तुम्हें मेरे बारे में बहुत कुछ जानना बाकी है। मुझे नहीं अच्छी लगी वो। जस्ट जेलसी। तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। हाय हाय, एक मिनट। हाँ ठीक है, कह रही हो। हाय हाय, ये हाँ मुझे पता है, जेनी, जेनिफर। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे Will you marry me? Anna, will you marry me? क्या है ये माइकल? इतने अच्छे दिन को तुमने खराब कर दिया। ये तुम क्या कह रही हो? You know what? हाँ? मैं और वर्गिस 1 साल से रिलेशनशिप में हैं। वर्गिस? Yes. तो हमारे बारे में क्या? हमारे बीच कुछ भी नहीं है। हा? पता है, हम दोनों के रिलेशनशिप में मैं कभी सेटिस्फाइड ही नहीं थी। और चेंज किसे पसंद नहीं है? माइकल, तुम्हें मुझसे ज्यादा अच्छी लड़कियां मिल जाएंगी और हम ना हमेशा फ्रेंड्स रहेंगे। ये क्यों लगाया? अरे तो बाद में साफ कर लेना ना। छोड़ दिया। वर्गिस, उसे वर्गिस क्यों पसंद आ गया? क्या समझ रही अपने आप को? मेरी बदकिस्मती कि मैंने उसे अंगूठी देना जरूरी समझा, मेरा पैसा भी चला गया। वैसे भी मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, मैंने बस यूं ट्राई किया था। तुम सैड हो? सैड क्यों? कुछ दिनों बाद अपने आप पता चल जाएगा। लेकिन वो कैसे? लड़कियां तुम्हें धोखा दे रही है, इतना सेंस तो तुम्हें चाहिए। देखना, मेरी जिंदगी में कोई और लड़की नहीं होगी। अरे ऐसा मत कहो, 3-4 लड़कियां तो हर रोज प्रपोज करती हैं, बस उनमें से एक को सिलेक्ट करना है। ए, बहुत ज्यादा हो रहा है। क्या अब हम घर चले? मैं नहीं आ रहा। पापा की वजह से ना? बस नहीं आ रहा हूँ। क्या पापा मुझसे प्यार करते थे माइक? तुमसे प्यार करना तो उन्हें बहुत अच्छा लगता था। जब से पापा की मौत हुई है, ऐसा लगता है मेरे साथ कोई नहीं है। हम सब है तुम्हारे साथ, मैं हूँ, मम्मी है। पापा की मौत कैसे हुई थी? ड्राइव करूं क्या? इतनी जल्दी? हाँ। आराम से, धीरे धीरे। लेफ्ट लेफ्ट। हाँ हाँ, अब इसे सीधा पकड़ो। हाँ सीधा करो। Oh.
ये मेरे पति की ही गलती थी। उन्होंने ऐसी बेवकूफी क्यों की? माइक को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर उसने ऐसा ना किया होता तो आज मेरे पति मेरे साथ होते। वो अपने ही पिता की मौत की वजह बन गया। उसे एहसास दिलाया कि उसी की वजह से उसके पिता की मौत हुई। उसके बाद मेरा बेटा मेरे साथ नहीं रहा। वो कितना दुखी होगा। फिर वो किसी के करीब नहीं गया, किसी से बात नहीं की। तूने अपने पापा को मारा क्या? हमें सच बात बताओ, क्या तुम्हीं ने अपने पापा को मार दिया? इसका मुंह मैं खुलवाता हूँ। उनके बीच एक रैट है। रैट है? हाँ, चूहा। तुम पागल हो गए हो, चलो सो जाओ। रैट का मतलब होता है जासूस, जो पुलिस को इन्फॉर्मेशन देता है। कोई है जो सर को कॉल करके इन्फॉर्मेशन देता है, वो कौन हो सकता है ये पता लगाना है। पता लगा के कोई फायदा है क्या? फिलहाल जितनी भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है वो सिर्फ ईसा सर के हिसाब से ही हो रही है, और उससे हमें कुछ ज्यादा फायदा नहीं हो पाया है। मतलब तुम कार्यकर्ता बनना चाहते हो जो नेता से बड़ा हो। तुमसे बात करना फिजूल है। तुम तो बस उसके साथ घूम सकते थे और उसकी बात सुनते थे, है ना? पर अगर तुम चूहे को पकड़ना चाहते हो तो तुम्हें बिल्ली बनना होगा। इसका मतलब तुम्हें इस सोच से बाहर आना होगा कि तुम एक शेर हो। तुम सो जाओ, गुड नाइट। इन्फॉर्मेशन निकालना चाहते हो तो तुम सर के कॉल डिटेल्स क्यों नहीं चेक करते? ये सही है। बेस्ट है। तुमने इस बारे में क्यों नहीं सोचा? मैं सिंपल तरीकों के बारे में नहीं सोचता। सर आप जो कर रहे हो उसकी सीरियसनेस को आप समझते हैं ना? And I feel something is fishy. मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। मुझे उस किलर का पता चल गया है। मैं रैट की तलाश में था लेकिन ऐसा कोई है ही नहीं सर। सर के मुताबिक मैंने जो किया वो वास्तव में बुरा होना चाहिए था। सर को जो कॉल करके इन्फॉर्मेशन देता है वो एक डॉक्टर है, डॉक्टर माइकल। स्टार केयर हॉस्पिटल में वो डॉक्टर कैजुअलिटी डिपार्टमेंट हैंडल करता है। उसने सर को उस लोकेशन से कॉल किया था जहाँ पे पैट्रिक को गोली मारी गई थी। मेरे शक के अनुसार किलर वो डॉक्टर ही है। पैट्रिक को शूट करने के बाद डॉक्टर हॉस्पिटल पहुंचा। पैट्रिक को सर उसके पास अधमरी हालत में ले गए थे और उसने पैट्रिक को बहुत ही आसानी से मार दिया। मोबाइल सिग्नल से उसके मूवमेंट साफ दिखाई दे रहे हैं। माइकल सर माइकल से अक्सर कॉन्टेक्ट करते रहते हैं। अब आप ही बताइए इसमें सर का क्या रोल है? आपने मुझे इस नाटक का गवाह क्यों बनाया सर? मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया। तुम में ढूंढने की जिज्ञासा है जो ज्यादातर औरतों में पाई जाती है। नहीं तो किलर की तलाश की बजाय तुम इन्फॉर्मर्स की तलाश नहीं करते। अपनी परछाई पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। जैसे ही रोशनी दिखाई देती है वो परछाई गायब हो जाती है। Are you challenging me? No sir. I just want to know the truth. कुत्ता पैर उठाकर मूंदता है और फिर उसे वापस सूंघता है ताकि रास्ता ना भूल जाए।
अभी जो तुम कर रहे हो वो यही है। डॉक्टर माइकल को हम कस्टडी में लेने वाले हैं, क्योंकि मुझे लगा कि सर भी इसमें इन्वॉल्व है, इसलिए मैंने बड़े अधिकारियों से परमिशन ले ली। अगर आप मेरे शक का सही जवाब देते हैं तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर सकता हूं। देखो, मैं तुम्हारे डाउट्स को क्लियर करने वाला कोई टीचर नहीं हूं। हाँ, सरकारी ऑफिस में धूम्रपान के लिए मुझ पे केस जरूर कर सकते हो। ड्रॉप कर दो। एक मिनट सर। कुत्ता अपने दोनों हाथ उठाकर पैरों पर खड़ा होता है, किस लिए ये बताने की जरूरत नहीं है। आई एम सॉरी सर। सर, आप अभी पुलिस कस्टडी में हैं। आई सेड यू हैव योर ओन लिमिटेशंस। सर, आप अभी वहीं खड़े हो जहां आप पहले थे। डॉक्टर को कस्टडी में लेने से चीजें बिगड़ सकती हैं। सभी एक्शंस को रोक दो। माइकल को कस्टडी में मत लेना। आई विल टेल यू द होल स्टोरी। हिस्टोरी, हिस्ट्री ऑफ मिखाइल। सर। हाँ अशोक, फिलहाल कार्रवाई रोक दो। ओके सर। से मास्टर मुझे निकाल देगा क्या? हैं? रुको। तू चैंपियन है क्या? तो फिर मुझे हरा, फिर तू चैंपियन होगी। आजा। हाँ। से दूर रहो। कमजोर होते जा रहे हो, ठीक से खाते क्यों नहीं? तुझे देखकर कोई कहेगा कि तुम अच्छे खानदान से हो? मैं कहती हूँ खा लो, ये लो एक अंडा रोज खाया करो। मैं कहती हूँ खाना। तुम्हें हुआ क्या है बेटा? With energy consumption being the buzzword in developing economies around the world, fears of an energy crisis looming ahead are not totally unfounded. Gerard?
The non-renewable nature of fossil fuels makes complete dependence on these for future energy needs a very dicey affair. Renewable energy sources are the best. जाना चाहती है, मैं क्या करूं? तुम ऐसा क्यों कर रही हो जेनी? वो जिराट तो बेवकूफ था, उसके लिए तुम ये सब मेरी वजह से हुआ। मुझे उसके साथ लड़ना नहीं चाहिए था। नहीं, जिराट ने तुम्हें उस दिन चोट पहुंचाई थी और तुमने जवाब दिया। उस लड़के के फादर यहाँ आए। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, कल से एक अच्छी बच्ची की तरह स्कूल आ जाना, ठीक है? क्यों है बेटी? देखो, वो मेरा बेटा था, लेकिन मैं दुखी नहीं हो रहा। मेरे बेटे ने गलती की, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि उसने ऐसा किया क्यों। दुखी रहा होगा वो, जलील हुआ होगा वो। जीतने की आदत रही है ना उसे हमेशा ही। क्या उस वक्त मेरा बेटा रोया था? हाँ, मरने से पहले वो जरूर रोया होगा, है ना बेटी? इसमें तेरी कोई गलती नहीं। मैं सच कह रहा हूं, जब तेरी गलती है ही नहीं तो तू इतनी दुखी क्यों है? हाँ देख बेटी, तू एक अच्छी लड़की की तरह स्कूल जा। स्कूल जाने के बाद तुझे एक मेरा काम करना होगा, कोई जल्दी नहीं है, आराम से करना। स्कूल जब जाने लगोगी और नॉर्मल हो जाओगी तब तुम्हें मेरा वो काम करना होगा, जिस जगह से जेरार्ड ने छलांग लगा के आत्महत्या की थी। तुझे उसी छत पर जाना होगा और वहां से कूदना होगा। क्या तुम वो करोगी जो मैंने कहा? तुम्हें तो ये करना ही होगा, तभी मुझे सुकून मिलेगा। किसी को बताने की जरूरत नहीं है, मम्मी, स्टेप फादर या कोई और। और अगर तुमने किसी को बताया तो वो सब मारे जाएंगे। क्या तुम मेरे लिए ऐसा नहीं करोगी? मेरे लिए ना सही, जेरार्ड के लिए। Water scarcity and the need for water conservation and management. Given the abundance and
of water, it is difficult to imagine that we may suffer from water scarcity. The moment we speak of water shortages, we immediately associate it with regions having no rainfall or those that are drought prone. We instantly visualize कर रहा है, उसे डरा रहा है, रात रात भर घर के बाहर इंतजार करता है, जहां जाती है उसका पीछा करता है। आपको कुछ करना होगा, ऐसा चलता रहा तो वो स्कूल जाने से मना कर देगी, काफी डरी हुई है वो। वो मेरी बच्ची को इस तरह क्यों डरा रहा है, आखिर उसकी गलती क्या है? मुझे जेनिफर से बात करनी पड़ेगी। उसने तुमसे क्या कहा? उसने कहा कि जेरार्ड की तरह मुझे भी स्कूल की टेरेस से कूदना होगा। मुझे उससे बहुत डर लगता है। तुम इतना डर क्यों रही हो जेनी? अगर मैं नहीं कूदी तो वो मम्मी पापा को मार डालेगा। ए, वो एक पागल आदमी है। जेरार्ड स्वर्ग में तुम्हारा इंतजार कर रहा है, इसलिए उसने जो कुछ कहा है उसे मान लो। अरे क्या हो गया है तुम्हें? कुछ नहीं। ये तो किस्मत थी उस लड़की की, उसके लिए तुम क्यों दुखी हो रही हो? वो बात नहीं है। तो फिर तुम्हें बताकर क्या करूं? तुम मेरी मदद नहीं कर सकते माइक, ये मेरी गलती है, मैं इसकी जिम्मेदार हूँ। क्या बात कर रही हो तुम, क्या गलती है तुम्हारी? जेनी चलते हैं, क्लास शुरू होने वाली है। कूदी सर? तुम यहां कितने टाइम से हो इस क्राइम ब्रांच में? 2 महीने हो गए हैं सर। I still not have understood you so far। तुम्हारे रिकॉर्ड्स अच्छे थे इसलिए मैंने तुम्हें अपनी टीम में ले लिया। आपके लिए वो समन हमेशा रहेगा सर। वो तो है।
हेलो, चूहा मिला क्या? सर मैं अभी आता हूँ, मेरी बीवी है। जा। वो जो भी कह रहा है उस पर विश्वास मत करो, कहीं तुम फंस ना जाओ। उसकी पूरी बात सुनो और देखना कहीं कोई साजिश ना हो। अपनी नौकरी ना खो बैठना, कोई जरूरत हो तो मुझे कॉल करना। बाकी कहानी मैं बताता हूँ। मैंने आपका हिस्सा अकाउंट में भेज दिया है। इस महीने बिजनेस अच्छा नहीं रहा, उसके लिए मुझ पर चिल्लाना मत। लेकिन बिजनेस अच्छा चल क्यों नहीं रहा है? जानती हो ना, मेरा बेटा हाल ही में मरा है, इसीलिए ध्यान नहीं दे पाया। बेटा खोने का गम है या बिजनेस का? दोनों का। मैं कुछ ही दिनों में बिजनेस संभाल लूंगा। फिलहाल मुझे सेंट एंथनी चर्च में गरीब बच्चों को खाना खिलाना है। लेकिन ऐसा करने से क्या फायदा होगा? जब मैं अपने जेरी को कुछ खाते हुए देखता था, मुझे बहुत अच्छा लगता था। माँ, अगर मैं उसके लिए कुछ खरीदता था और वो उसे पसंद करता था तो मैं गर्व से भर जाता था। और तब मैं उससे पूछता, क्या तुझे ये पसंद है? फिर पूछता, मैंने जो तेरे लिए खरीदा वो तुझे पसंद है? फिर वो कहता हम्म। मैं दोबारा उससे पूछता, तब तो वो चढ़ जाता, कहता पापा चुप हो जाओ, मेहरबानी करके ये सवाल दोबारा मत पूछो। वो जब ऐसा कहता मुझे अच्छा लगता था। मां, जब हम किसी को खो देते हैं ना, तब उसकी कीमत का एहसास होता है। जब वो हमारे पास होता है हम उसकी अहमियत नहीं समझते, जाने के बाद पता चलता है। मैं इतनी देर से रो रहा हूं, क्या आपने कभी भी मुझसे पूछा कि तुम रो क्यों रहे हो? तुमने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा। मां सुनो, मां मां सुनो मां, अचानक मैं भी किसी दिन अगर आपको छोड़कर चला गया तो क्या होगा मां? पता है कि तुम मुझसे ही नाराज हो,
मुझसे गलती तो हुई है, अपनी माँ की सारी गलतियों को माफ कर दो बेटा। मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई है, तुम्हें बहुत दुख दिया है, लेकिन कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। ये क्रिसमस अपने घर एक साथ मनाते हैं। मुझे तुम्हारी जरूरत है, हमें तुम्हारी जरूरत है माइक। क्या तुम मेरी बात सुन भी रहे हो? प्लीज अपनी माँ को माफ कर दो बेटा। प्लीज बस करो, मैं ये सब नहीं सुनना चाहता। मम्मी सच में डर गई होंगी। जेनी कह रही है कि वो हम सभी को मार डालेगा। क्या तुम्हें डर नहीं लगता? ये डर नहीं है, पता नहीं करना क्या है। सर, एक एक्सीडेंट केस आया है। अगर जिंदा होती तो तुम्हें यहां पर देखकर बहुत खुश होती। हमारे अंदर जो खुशियां हैं, जितनी जल्दी हो सके आपस में बांट लेनी चाहिए। कल क्या हो किसी को नहीं पता। कोई भी तुम्हारे
माता पिता की जगह नहीं ले सकता, है ना माइक? एंथोनी को मारने की वो धमकी देता था। एक ब्राउन कलर की कार ने उन्हें मारा। एक्सीडेंट था ये। वो कौन था ये साबित करने के लिए सबूत नहीं है। आप और मैं दोनों जानते हैं कि वो कौन है। जॉर्ज पीटर। मैं उसका कुछ नहीं कर सकता। तो फिर आप वो जोकर क्यों बन रहे हो जो लोगों की रक्षा करने का दावा करता है? तुम एक काम करो, उसके पैरों पर गिर जाओ, पैर पकड़ के माफी मांगो, शायद वो माफ कर दे। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। अगर तुम्हें कुछ करना है तो ये पता करो कि तुम्हारा बाप कौन है। मुझे बाप की गाली देता है? गाली दी तो इससे बुरा हश्र करूंगा। ये एक पेन किलर है, खरीदो और खा लो। इससे भी भारी डोज मैं तुम्हें दूंगा। मैं किसी को सताना नहीं चाहता, शांति से रहना चाहता हूं, लेकिन मैं चैन से रह नहीं पा रहा हूं। मैं उस लड़की के लिए गलत नहीं सोचता, पर आंखें बंद करते ही मेरा जेरी मुझसे कहता है, पापा उससे भी छलांग लगवाओ जैसे मैंने लगाई। मेरी प्रॉब्लम क्या है डॉक्टर? मानसिक बीमारी। यह मुझे अच्छी तरह से पता है, इसीलिए मैं आपको दिखाने आया था डॉक्टर। मेरे पास तुम्हें लोगों को टॉर्चर करने से रोकने की कोई दवा नहीं है। डॉक्टर आपको मुझे संभालना होगा, काउंसलिंग करनी होगी। क्या एक हफ्ते में ऐसा हो पाएगा? शांति और संयम के साथ जीवन जीने की कोशिश करो। तुम जो तुमने खोया है वो वापस नहीं मिलेगा। कभी कभी तुम बाइबल पढ़ो और चर्च में भी जाया करो। जब मैं बाइबल पढ़ता हूँ तो यहूदी याद आते हैं जिन्होंने यीशु को क्रॉस पर चढ़ाया। फिर मन की शांति खो जाती है। उन्होंने गलत किया था ना? जॉर्ज, ईश्वर से प्रार्थना करो, तुम्हें मानसिक शांति मिलेगी। ईश्वर तुम्हें सही रास्ता दिखाएंगे। अगर ईश्वर का अस्तित्व है तो शैतान भी तो है ना, वही मुझसे ये सब करवा रहा है।
टूटे नहीं और तू शहर के डॉन से पंगा ले रहा है। उस गाड़ी को चला दिया जिसने मेरी माँ को मार डाला। आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, मैं बदला लूंगा। तुम्हें मारा और तुम्हें समझ नहीं आया कि क्या हुआ। जिसने तुम्हें मारा तुम उसे पहचान भी नहीं पाए। FIR में यही सब बातें लिख देता हूं, समझ गए ना? बेहतर झूठ ढूंढ कर तैयार रखो, तुम्हें जरूरत पड़ेगी। मुझे आग में खींचने की कोशिश मत करो। आग को आग से ही बुझाना पड़ता है। ओह जीसस, नहीं मिखाइल। एक दिन मौत आएगी, याद रखे इंसान, इस जीवन काल के तेरे काम गिना, अच्छे कर्म करो आलस किए बिना। एक दिन मौत आएगी, याद रखे इंसान। तेरे मामले में मैंने गलती की और तुम्हारे मामले में तुम्हारे पिताजी ने गलती की। डॉक्टर की आप तलाश कर रहे हैं मैं उसे जानता हूं।
माइकल, डॉक्टर माइकल वही है जिसने जॉर्ज को मारा। इस केस को हैंडल कर रहे हैं क्राइम ब्रांच के DYSP, मैंने उनको रिपोर्ट दी है। क्या तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं है? जो तुम्हें खिलाता है उसके प्रति तो वफादार रहो। मुझे बताओ उसके साथ क्या करना है। ये सब कुछ मिखाइल नहीं कर रहा है, अज़राइल कर रहा है। जो तुम्हें धमकी देता था, जॉर्ज पीटर की हत्या कर दी गई है। डॉक्टर कह रहे हैं कि हत्या के लिए एक तरह का सर्जिकल ब्लेड इस्तेमाल किया गया है। आप कह रहे हैं माइकल ने ये किया है? माइकल अब यहां नहीं रहता क्या? नहीं, माइकल के फादर जॉन वो मार्शल आर्ट के ट्रेनर थे ना? हाँ थे। आपके कहने का मतलब क्या है? क्या माइकल ने मार्शल आर्ट सीखा है? हाँ, बचपन में। मैं माइकल से बात करना चाहता हूँ। लाडली बहन जेनी तुम्हें फोन कर रही है, मैं जवाब देता हूं। जवाब मैं खुद दूंगा। जेनी, तुम अभी कहां हो? प्लीज घर पे आइए। माइक, व्हाई डिड यू डू दिस? ईसा ने भी छड़ी का इस्तेमाल किया था। Don't worry. I know what I'm doing. Are you busy? Yes, dear. Your brother will be back. Bye, dear. गुड मॉर्निंग सर। क्या आप मुझे कस्टडी में लेने आए हैं? अब मैं न्याय की तरफ हूं सर। मुझे अब एहसास हुआ है कि न्याय और कानून दो अलग चीजें हैं। सर, जॉर्ज को खत्म करने की जरूरत माइकल को थी, लेकिन पैट्रिक के साथ माइकल की तो कोई व्यक्ति के दुश्मनी नहीं थी। फिर उसने पैट्रिक की हत्या क्यों की? इसकी वजह क्या हो सकती है? मैंने उससे कहा कि अगर शांति चाहिए तो हमें पैट्रिक को भी मारना पड़ेगा, बिकॉज ही इज प्लेइंग अ डबल गेम।
दोनों गिरोह के लिए सलाहकार बनता था, वो शकुनी था, लेकिन मैं वहां गलत हो गया। शुगर वन कैंसर जो कोशिकाओं की तरह बढ़ता रहता है वो भले ही नष्ट हो जाए लेकिन ये हमेशा जारी रहेगा। ओनली अ स्पेशलिस्ट डॉक्टर कैन बर्न द कैंसर सेल्स इन अ बेटर वे एंड ही इज। जॉर्ज पीटर की मौत के लिए जो इंसान जिम्मेदार है उसे ढूंढो और मार दो। That's my goal. ये काम मुझे पैट्रिक ने दिया था, अब उसकी कीमत देने वाला कोई नहीं है क्योंकि तुमने उसे मार दिया। मैं पहले से ही वफादार हूं इसलिए अपना काम कर रहा हूं। तुम्हारी सिस्टर क्यूट जेनिफर को खत्म करने जा रहा हूं। चिंता मत करो, मैं उसे जल्दी से मार डालूंगा बिना किसी दर्द के। तब सिर्फ तुम्हें दर्द होगा, ये मेरी मजबूरी है। क्या तुम जानना चाहते हो किसी को जल्दी कैसे मारना है बिना दर्द के? जिस ब्लेड को तुम्हारी मेजर आर्टरी में घोंपा गया है 3 मिनट के अंदर ही इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से तुम्हारी धड़कनें रुक जाएंगी, तुम्हारी आंखें खुली रहेंगी जब तक तुम्हारी नसों में से खून बहना रुक नहीं जाता। तुम कुछ समझ ही नहीं पाओगे। बिना दर्द के मारना इसे कहते हैं। अच्छा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये ओपीडी कब से शुरू किया? बेवकूफ, तुम्हारी असलियत सामने आ गई। मैं पहले ही जानता था तुम्हारी नियत में खोट है। इस मामले पे बहुत ध्यान देने की जरूरत थी सर। आखिरी बार समझा रहा हूँ, इसके बाद समझाऊंगा नहीं, जो करूंगा वो सह नहीं पाओगे। ये तुम्हारे लिए लास्ट वार्निंग है। सर अब फाइनली क्या होगा? एक अंडरवर्ल्ड जो हर एक को एक गैंगवार में मारता है वही ना? हाँ सही कह रहे हो। जहाँ तक मैंने सुना अपने बड़े भाई जॉर्ज पीटर की तुलना में मार्को और ज्यादा खतरनाक है। अगर उसे उसको मारना होता तो मार्को अब तक ऐसा कर चुका होता। वो बस उसे घायल करके उसे चोट पहुंचाकर उसे परेशान कर रहा है, यही उसका लक्ष्य है। क्या हुआ सर? He looks too mysterious. जल्दी कैजुअल्टी में लेकर जी सर। सर मुझे एक और डाउट है। तुम्हारे डाउट अभी खत्म नहीं हुए। सर आप जो उसकी इतनी मदद कर रहे हैं, ये डॉक्टर माइकल कौन है और आपका उससे क्या संबंध है? तुम उस जांच में कितनी जानकारी हासिल कर चुके हो अब तक? डॉक्टर माइकल मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। सर मेडिकल कॉलेज के CI थे। मैं और कुछ नहीं जानता। यस आई नो हिम। मुझे लोकल पुलिस से एक रिपोर्ट मिली और मैंने बिना किसी योजना के शुरुआत कर दी। हर किसी के सामने, खासकर अपनी बहन के सामने, मिखाइल भोला भाला इंसान था। लेकिन इज दिस माइक, जो मैंने वहां देखा, एक स्मार्ट मेडिकल स्टूडेंट जिसे मैं जानता था, माइकल। सेरेब्रम, सेरेबेलम एंड द ब्रेनस्टेम। द सेरेब्रम कंसिस्ट ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स। दिस फॉर्म्स द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, इट्स सिचुएटेड अबव द अदर ब्रेन स्ट्रक्चर्स। नेक्रोफिलियक, हिंदी में कहा जाए तो लाश के साथ सेक्स करने वाला। नहीं ऐसा मत कहिए सर, ये मेरा छोटा भाई है, मेरा भाई जिसे मैंने पाला। सीनियर गैंग के साथ उसका 2 दिन पहले एक झगड़ा हुआ था। सारे स्टूडेंट्स इसके खिलाफ हैं और कैंपस में पुलिस के ज्यादा देर रहने से प्रॉब्लम और बढ़ेगी।
देखिए सर, इसके खाने में ड्रग्स मिलाया गया था और बेहोशी की हालत में उन्होंने इसे वहां लिटा दिया। ये कल शिकायत दर्ज करेगा। सर, इसे पुलिस को सौंप देना चाहिए, बाकी मैं संभाल लूंगा। वापस कर दूंगा, चल चाबी दे दे। ए, समझ में नहीं आया, ये हमको गाड़ी नहीं देने वाला। ए साइको, मुझे ये गाड़ी चाहिए। सॉरी, पैट्रिसाइड, गिव मी द की। वापस मुझे वही बोला तो तेरे टांगे तोड़ दूंगा। जिसने अपने पिता की हत्या की हो उसे पैट्रिसाइड नहीं तो क्या एंजल बुलाओ? पैट्रिसाइड। गाड़ी मांगने पर हमारी टांगे तोड़ दोगे? चलो इसे। जलाओ इसे। अरे जलाओ ना यार। करोगे तो केस बनेगा और वो केस हम पक्का हार जाएंगे। पुलिस का कैंपस में प्रवेश करना प्रतिबंधित है, उनसे वापस मार खा सकते हो। बाजार और कैंपस का एक नियम है, जो भी लड़ाई में जीतता है वो हीरो बन जाता है और हर जगह राज करता है। तो तुमको उन्हें कैंपस के अंदर मारना चाहिए और उसके लिए तुम्हें जो भी मदद चाहिए वो मैं करूंगा। इसके लिए जो जरूरी है मेरे पापा ने मुझे सब सिखाया है। जहां डर खत्म होता है ना वहीं से जिंदगी शुरू होती है। Time!
क्यों रहा है बे? मार देना चाहिए। खैर सर, क्या आपने आमिर की शिकायत के बाद केस दर्ज नहीं किया था? नहीं, वो शिकायत करने के लिए नहीं रुका। अपमान सहन ना कर पाने की वजह से वो चला गया। वो एक डॉक्टर था ना, उसने कुछ दवाइयां खा ली और खुद को मार लिया। सॉरी सर। कुछ करने के बाद यहाँ से जा पाओगे? जब तू सो रहा था तब मैं यहाँ पर आ गया और तेरे सामने से ही जाऊंगा। यू आर आफ्टर ऑल ओनली अ जूनियर। तुमने मेरे पिताजी को गाली दी अब्राहम, वो एक मिस्टेक थी। मेरे भाई को मारने के बाद मिस्टेक बोलता है क्या? आई एम गोना मेक अ सेम मिस्टेक टू।
रहम को मार डाला, वो जिंदा घूम रहा है। क्या आपको शर्म नहीं आती? इससे बेहतर तो मर जाना है। वो हमारे बिजनेस को हड़प रहे हैं और आपके लिए यहाँ सब कुछ अच्छा हो रहा है। हम और टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं। उसने पैट्रिक को भी मार डाला। वो मार्को नहीं है। वो चाहे जो भी हो, हम उसे खत्म कर देंगे पापा। करेंगे ना? करेंगे। We have to. माइकल का? मुझे नहीं पता। ब्लड टेस्ट भी करना है ना? देखो, मैं इतना बेरहम भी नहीं हूं। तुम क्या कह रहे हो और क्या चाहते हो? गुस्सा मत करो। मैंने तुम्हें अपने साथ सोने के लिए तो नहीं कहा ना? माइकल कहाँ है? मैं उससे मिलना चाहता हूँ, जल्दी। उसने कहा कुछ दिन दूर रहेगा, मुझे नहीं पता कहाँ है। पुलिस। मेरे लिए पुलिस की औकात इतनी है बस। पागल हो गया है। लोकल पुलिस से सिक्योरिटी मांगने से कोई फायदा नहीं होने वाला। तुम कुछ समय के लिए दूर चले जाओ। मैं किसी से नहीं डरता। ये हीरोगिरी दिखाने का वक्त नहीं है। फिलहाल अपनी बहन के साथ किसी और जगह पर जाके रहने की कोशिश करो। क्या कर रहे हैं वो? यहीं बैठे हैं, दोनों ठीक हैं। पर तुम कहाँ हो? मैं वहीं आ रहा हूँ। कोई भी हो दरवाजा मत खोलना। हमारा वॉचमैन आया है। जो कोई भी हो दरवाजा मत खोलना। बुलशिट। उसका फोन नहीं लग रहा है। Thank you.
दो किलोमीटर के दायरे में पुलिस उस गाड़ी को रोक लेगी। मैंने कंट्रोल रूम में इन्फॉर्म कर दिया। बच्ची है बेवकूफ, अगर उसे कुछ हुआ ना तो ये एरिया मेरे सर्कल में आता है। अगर पुलिस पे गोली चलाएंगे तो हम छोड़ देंगे क्या? सर, शहर के 7 किलोमीटर के दायरे में हमारे पास केवल इन 500 मीटर का कवरेज नहीं है, जबकि हम वैन की स्पीड जांच करते हैं। उन 500 मीटर के अंदर उन्होंने बच्ची को किसी और गाड़ी में डाल दिया होगा सर। माइकल की कॉल्स को ट्रैक करो। सर, माइकल, ये फोन हॉस्पिटल में किसी ने दिया। इसमें जो नंबर सेट है उस पर कॉल करने के लिए कहा है। तुमने एक जंग की शुरुआत की जबकि कोई परेशानी नहीं थी। तुम मेरे रास्ते में आए। अगर तुम अपनी बहन चाहते हो तो उसके लिए मार्को का बेजान शरीर मुझे दिखाओ। अगर तू मार्को को नहीं मार पाया तो इस लड़की को देख भी नहीं पाएगा। और पुलिस वालों को इस खेल और खेल के मैदान से दूर रखना हम दोनों के लिए यही बेहतर होगा। भी आ सकता हूं।
हेलो हेलो, अब कैसी है वो? शी इज ओके, डोंट वरी। और दवाइयां हैं। इतने भी बड़े डॉक्टर नहीं हो कि दवाइयां लिख सको। इसका डोज काफी ज्यादा है। अरे हम धीरे धीरे कहाँ मर गया है? कम से कम थोड़ा ग्लूकोज तो दीजिए। अरे जीजा सुनो, अरे डॉक्टर ये ठीक नहीं हो रहा है, रहेंगे। इसे हमेशा सर्दी रहती है। अजनबी लोग थे, वो 5-6 लोग थे जिन्होंने मुझ पे हमला किया। तो क्या आपने भी उन्हें मारा? अगर वो 1-2 लोग होते तो मैं भी उन्हें पलट के जवाब देता। अब अकेला मैं क्या कर सकता था? वो आपका ही आदमी है, डॉक्टर माइकल, उसी ने यह सब किया। अच्छा, तो फिर तुमने उसका नाम पुलिस को क्यों नहीं बताया? वो बहुत खतरनाक है, उसने जॉर्ज, पैट्रिक और मुर्गन को मारा है। मैंने रिपोर्ट की तो मुझे भी मार डालेगा। अच्छा होगा उसके असली रूप को पहचान लो, नहीं तो तुम भी प्रॉब्लम में फंस सकते हो। मुझे पहचाना क्या? मैं जेरार्ड का चाचा हूं। तुम सोते वक्त बिल्कुल खरगोश जैसी लगती हो, लेटी रहो। तुम यहां क्या कर रहे हो? मैं इसकी जांच करने आया था। वो डॉक्टर कहां है? हमारे पेट में गंदगी होने के बावजूद हम बस जी रहे हैं। एक दिन अगर पेचिश हो जाए,
हम खत्म हो जाएंगे, सही है ना डॉक्टर? एंथनी सर, आपको बच्ची के साथ रहना चाहिए। इसके आसपास गिद्ध मंडरा रहे हैं। तुम सो जाओ बेटा। माइकल जॉन, जब तुम्हारे नाम के साथ पिता का नाम पुकारता हूं तब मजा आता है। सॉरी, मैं नहीं बुला सकता क्योंकि मैं तुम्हारे पिता का नाम नहीं जानता। मिस्टर मार्को, मैं तुम्हें कस्टडी में ले रहा हूं। हमारे पास एक बयान है कि अब्राहम को तुमने मारा, तो मेरे लिए इतना ही काफी है। मैंने तुम लोगों को कस्टडी में लिया है, इसकी कोई रिपोर्ट नहीं बनाई। आज की रात तुम एक दूसरे से लड़ सकते हो या फिर मार भी सकते। और विलियम, रिकॉर्ड के अनुसार यू आर नॉट नॉर्मल, तो चाहे कुछ भी हो यू विल बी सेफ। बकवास बंद कर। डोंट शाउट, अपनी एनर्जी बचा कर रखो। मैं तुम्हें आज रात पीने या खाने के लिए कुछ भी नहीं देने वाला हूं। एक रात तुम लोगों के आपस में लड़ने के लिए या बस किसी के सिर पर फावड़ा मारना जब वो सो रहा हो, भले किसी की मौत ही क्यों ना हो जाए, ये बहुत ही अच्छा होगा। अगर मैं इस सब के लिए पीनल कोड का पालन करता हूं तो मैं अपना सम्मान खो दूंगा, और इसका एहसास होना जरूरी है ना? तो ओके गाइस, हैव अ बैड नाइट, फाइट ईच अदर, किल ईच अदर। 3 दिन, उन्हें दिन और रात में फर्क ना पता चले। सर, दिमाग नहीं है? नैन बटका के लिए यही जगह मिला है? अरे वो सब छोड़ो और हमारे साले साहब का इलाज करो, मुंह छाटता है। देखो अगर हमारे साले साहब ठीक नहीं हुए ना तो बहुत बुरा होगा, तुम हमको नहीं जानते हो। अगर इज्जत से पेश नहीं आया तो तेरा मुंह तोड़ दूंगा। सच में? निकल। क्या हुआ, क्या परेशानी है? कोई परेशानी नहीं, कुछ भी नहीं है। कूल, बी कूल। मुझे पता है माइकल इस हॉस्पिटल को अच्छे से संभाल रहा है, मेरी किसी बात पर नाराज तो नहीं होना? अरे क्यों सर? सही है, मुझ पे क्यों नाराज हो गए? हाँ। तो थोड़ा जरूरी काम है, ठीक है? वेरी बैड बॉयज, मुझे लगा था अब तक लड़के मर चुके होंगे। ओके, लेट द कोर्ट डिसाइड।
कोर्ट एक गलत निर्णय होगा इंस्पेक्टर। ये गैर जमानती मामला नहीं है ना? मुझे सोना है, फिर जब मैं जागूंगा तो कुछ अधूरे काम निपटाऊंगा। मार्को को जमानत मिल गई, सब कुछ कानून के हिसाब से ही होने दो। क्या लगता है कि हमने जो किया वो बेवकूफी थी? नहीं सर। क्यों? क्योंकि कानून और न्याय एक समान नहीं होते हैं सर। मैंने एक छोटी सी इंक्वायरी की, सर के भाई आमिर की रैगिंग करने वाले गिरोह से कोई भी आज जिंदा नहीं। इसी राज्य में कार एक्सीडेंट में उन चारों की मौत हो गई। यू आर अ गुड इन्वेस्टिगेटर। सात दिन बाद एक बहुत पवित्र तीर का त्योहार मनाया जाएगा। ये एक अच्छा मौका होगा अपने दुश्मनों को खत्म कर देने का। तुम्हें ये बदला जरूर लेना होगा, तभी तेरी मां को शांति मिलेगी। उतरो, जल्दी जल्दी चली चलो। Bye. See you soon. Bye. Bye bye. Bye. He's asking me to fly. डॉक्टर, तुम्हारी बहन रेफरी होगी। अगर तुम मुझे यहां हराओगे तो इसे वापस ले जा सकते हो, अगर तुम हारे तो ये यहां से कूद जाएगी। जेनी, हिलना नहीं जब तक हम में से कोई जीत ना जाए। Thank you.
Isaac, go! One. Two. Three. Four. नसें काट दी है, ज्यादा जोश मत दिखा, तेरा खून बह रहा है। अगर जल्दी से मेडिकल ट्रीटमेंट मिलेगा तो तू बचेगा।
उसके ऑर्गन्स डोनेट करके 3 लोगों की जान बचाई है, ब्रेन डेड है वो। मौत है। मैं हूं मिखाइल।